श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीवन जीने का सही ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में लिखा है कि तीन चीज़ें मनुष्य को धनवान बनाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, झूठे आदमी के साथ प्रेम, दूसरा सच्चे इंसान के साथ किसी तरह का छल। गीता में लिखा है कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार होगी और अगर ठान लिया तो जीत होगी। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। तो दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ले ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी नींद में है, आप उसके स्वप्न में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब उब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुण्य सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ जी मुझे पहचान रहे हो? नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीमत और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ जी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुण्य सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ,
माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ जी ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। ऐसा सुनकर शेर जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिया और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाओगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निंद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आव भगत की और अंत में माता लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुण्य मुझ पर कृपा करेगी? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में यह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। तो दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, सत्य कहिए और सत्य सुनिए। जय श्री कृष्णा।